विश्व के पुरातन नगरों में शुमार आदि विश्वेश्वर बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी अपनी धार्मिक मान्यताओं, कला, शिक्षा और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में विशिष्ट पहचान रखती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विश्वनाथ की नगरी में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। एक माह तक चलने वाले इस आयोजन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। काशी के सांसद के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु से आने वाले अतिथियों का स्वागत भी किया है। आप सभी को देखकर आज मन बहुत ही प्रसन्न हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी का महादेव की नगरी काशी में काशील तमिल संगमम में हृदय से स्वागत करता हूं। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी धर्म नगरी काशी का तमिलनाडु और तमिल भाषा से श्रद्धा और संस्कृति का नाता है। तमिलनाडु के लोग काशी के देवालयों में पूजन अर्चन और काशी वास को पूर्व जन्म का पुण्य फल मानते हैं। विश्वेशम माधवम ढुंडिम दंडपाणिं च भैरवम वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। अरे काशी की परंपरा देखेंगे तो एक समान है। वहां पर रामेश्वरम मंदिर है, मदुरई मीनाक्षी है और वहां पर उसी प्रकार काशी में माँ गंगा विश्वनाथ जी और शक्तिपीठ के रूप में विशालाक्षी विराजमान है। सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे तमिलनाडु से जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर काशी यात्रा करते हैं, गंगा स्नान, विश्वनाथ जी का दर्शन, माँ अन्नपूर्णा जी का दर्शन, काल भैरव जी का दर्शन, जब यात्रा संपूर्ण हो जाता है कौड़ी माता जी का अवश्य दर्शन करते हैं। काशी और तमिल का 2000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना संबंध है। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच प्राचीन संबंधों व उनकी प्रगाढ़ता की अनुभूति का अवसर प्रदान करेगा। तमिलनाडु के जो सांस्कृतिक परंपरा है, वैज्ञानिक परंपरा है, मंदिर परंपरा है, शिल्प परंपरा है, इस प्रकार तमिलनाडु के सभी प्रकार के प्राचीन ज्ञान परंपरा के प्रस्तुति करने वाले बहुत से चलचित्र फिल्म्स वहां दिन भर दिखाए जाएंगे महीना भर। इसके अलावा तमिलनाडु से जो प्रतिनिधि आएंगे मेला में तो भाग लेंगे ही, इसके साथ साथ वे सब काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे, कॉरिडोर दर्शन करेंगे, सारनाथ देखेंगे और गंगा आरती देखेंगे, गंगा क्रूज में जाएंगे। एक महीने में तमिलनाडु से लगभग 200 सदस्यों वाले 12 समूह काशी पहुंचेंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान लगभग 2500 लोगों के पहुंचने की आशा है। वर्षों से उत्तर और दक्षिण में एक दूरी बनाकर रखा जाने का प्रयास किया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर और दक्षिण को दूरी को मिटाने के लिए उत्तर के लोग दक्षिण के लोगों को जाने, उनकी परंपराओं को जाने और दक्षिण के लोग हम उत्तर भारतीयों को जाने, इसी के लिए एक इतना बड़ा प्रोग्राम दिया है काशी तमिल संगमम। यहाँ लगभग एक महीने तक कई ग्रुप्स आएंगे तमिल के, जिसमें इंजीनियर होंगे, व्यापारी होंगे, शिक्षक होंगे, छात्र होंगे, किसान होंगे, वो काशी को देखेंगे, अयोध्या देखेंगे, प्रयागराज देखेंगे और काशी की बाकी परंपराओं को समझेंगे, प्लस हम काशी वासियों को उन्हें समझने का अवसर मिलेगा। रामेश्वरम की नगरी से पधारे ये अतिथि जाह्नवी के तट पर पवित्र स्नान के बाद काशी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ काशी के कोतवाल, काल भैरव तथा अन्य मंदिरों के दर्शन पूजन अवश्य करेंगे।
काशी में दक्षिण भारतीय लोगों की आस्था का केंद्र एक ऐसा मंदिर है जहां बाबा काशी विश्वनाथ की बहन कौड़ी माता विराजती हैं। दक्षिण भारतीय लोगों की मान्यता है कि बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद यदि इनका दर्शन न किया जाए तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। देवी साउथ की है, साउथ से ही भ्रमण करते हुए काशी में आई थी, तो इसलिए यहाँ पे साउथ, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, जितने भी साउथ के एरिया के लोग हैं, केरल के हैं और तमिलनाडु के हैं, तेलुगु, तमिल, महाराष्ट्री, सारे लोग यहाँ पे इस माँ को ज्यादा महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें ये बात पता रहता है जो विश्वनाथ जी का दर्शन करके मैं इनका दर्शन नहीं करूँगा या करूँगी तो हमारा यात्रा सफल नहीं होगा। वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में विराजित आदिशक्ति माँ दुर्गा मंदिर के सामने दुर्गा कुंड पुलिस चौकी से होते हुए गलियों के रास्ते से इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। कौड़ी माता को दक्षिण भारतीय देवी माना जाता है। ये दक्षिण भारत में ही वास करती थीं और लक्ष्मी, शाकंभरी, ब्रह्मचारिणी आदि कई नामों से जानी जाती थीं। त्रेता युग में भ्रमण करते हुए माँ काशी में आईं और यहाँ रह गईं। बाबा काशी विश्वनाथ और कौड़ी माता के भाई बहन के रिश्ते के पीछे मंदिर के महंत एक कथा बताते हैं। कहा जाता है कि माँ को स्वच्छता बहुत पसंद है। एक दिन माता गंगा स्नान करके पूजा के लिए गंगा जल लेकर लौट रही थी, तभी उनके सामने एक व्यक्ति पड़ गया। माँ उसे अछूत मानकर वापस दोबारा जल लेने गईं, लेकिन ये घटना कई बार घटी जिसके कारण माता को दिन भर भूखे रहना पड़ा। काशी की अन्नदायिनी माता अन्नपूर्णा काशी भ्रमण पर निकली। उन्हें काशी में कोई भूखा नहीं मिला, लेकिन कौड़ी माता भूखी थीं। माँ अन्नपूर्णा के समझाने पर भी इन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया तो माता अन्नपूर्णा नाराज हो गईं और इनको श्राप दे दिया। तब माता कौड़ी दुखी होकर बाबा काशी विश्वनाथ के पास गईं। माँ अन्नपूर्णा के क्रोध से बचाने के लिए बाबा ने इन्हें अपनी बहन बना लिया और वरदान दिया कि काशी में आने वाला श्रद्धालु मेरा दर्शन करने के बाद कौड़ी माता का दर्शन नहीं करेगा तो उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। तभी से दक्षिण वासियों के मन में माँ के प्रति अपार श्रद्धा बनी हुई है। I came here to take the worship of goddess Shiva's sister. I'm from Karnataka. ये कौड़ी माता है। इधर सभी आने के बाद इसका दर्शन तो बहुत प्रमुख है, इसीलिए देखने जाने को आया है। काशी की यात्रा के लिए आते हैं तो सब जगह दर्शन करने के बाद में कौड़ा माँ को दर्शन करने के लिए आना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ नहीं आएंगे तो काशी की यात्रा सफल नहीं होगी। और काशी यात्रा का फल होता है ना, कौड़ा माँ के दर्शन के बिना नहीं होता है। जब कौड़ा माँ को कौड़ी का फल चढ़ाते हैं तभी काशी यात्रा सफल होती है, क्योंकि कौड़ा माँ को बोलना पड़ता है कि कौड़ी फल माँ को और काशी फल हमको। दक्षिण से आने वाले सभी श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने के बाद माँ का दर्शन अवश्य करते हैं। ये काशी आने पर ही बिना इनकी दर्शन किए काशी यात्रा परिपूर्ण नहीं होते। जप जय गवलम्मा महादेवी, जय गवलम्मा महादेवी, जय काशी निवासिनी सर्व दुखे सर्व कष्टे हरो देवी सर्व दुखे सर्व कष्टे हर देवी हर प्रिये चामुंडे मुंडवतने नारायणी नमस्तुते। काशी यात्रा
यात्रा, दक्षिण यात्रा, देवी यात्रा, परिपूर्णम, काशी फलितम, माँ को गवल फलितम, मैं को काशी यात्रा परिपूर्णम। जय गवालम्मा, जय गवालम्मा। माता को कौड़ी अति प्रिय है, इसीलिए आने वाले श्रद्धालु माँ को कौड़ी चढ़ाते हैं। दक्षिण के अलग अलग भाषाओं के लोग इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे तेलुगु में गवलम्मा, तमिल में सोई माता और मराठी में कौड़ाबाई। सभी लोग कौड़ी शब्द को अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। कौड़ी हम लोग तमिल में सोई बोलते हैं। उस कौड़ी को लेके, ए माता, ये कौड़ी का फल आपको प्राप्त हो और हमने जो काशी यात्रा किया है इसका फल हमको प्राप्त हो, ऐसा बोल के माता जी को प्रणाम करके फिर काशी से प्रस्थान करता है। ये कौड़ी माता की विशेषता है। प्रत्येक व्यक्ति, केवल तमिलनाडु नहीं, जो काशी यात्रा आते हैं, माँ कौड़ी माता का अवश्य दर्शन करना चाहिए। तभी वो काशी का दर्शन का आएगा। कल दो दिन के बाद में तीन दिन का दर्शन करेगा। ये गवालम्मा का वो प्रख्यात है ना, सब आदमी भक्त है ना, इधर आएगा कंपलसरी। गवालम्मा का देवालय में सब आदमी इधर आएगा ना, वो बहुत तो शास्त्र है ना। वो आदमी का गवालम्मा का काशी विश्वेश्वर का भाई ने दोनों कोनो, वो इधर वो ईश्वर का वो माता को शापम करेगा तो इधर नहीं तो चढ़ो दूर से चलोगो तो गवल का दे दियो, हमारा भक्त को काशी पुण्यम दे दो तो गवल ले लोगो, बोला वही से बात करो। माता के मंदिर परिसर में ही एक कमरे में माँ मंगला गौरी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ आने वाले भक्त माँ मंगला गौरी की भी पूजा अर्चना करते हैं। माँ मंगला के बाईं ओर माँ काली का दिव्य स्वरूप बना हुआ है। मंदिर के निचले हिस्से में बजरंग बली की भी एक मूर्ति स्थापित है। परिसर में प्रवेश करते ही दाईं ओर कुटेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में विराजित हैं। हमारे यहाँ पे कौड़ी माता मंदिर के अलावा मंगला गौरी, हनुमान जी और कुटेश्वर महादेव का भी मंदिर है, जहाँ पे दर्शन यात्री करते हैं। और हमारे यहाँ पे सिर्फ दक्षिण भारत के ही लोग आते हैं। कौड़ी माता के अलावा काशी के दशाश्वमेध क्षेत्र में विराजित प्राचीन माँ विशालाक्षी भी दक्षिण भारतीय लोगों के लिए अति पूजनीय हैं। ये दक्षिण भारतीयों की कुल देवी हैं, कामाक्षी, मीनाक्षी, विशालाक्षी। तो काशी में भगवती यहाँ पर विश्वेश्वर की विशालाक्षी के रूप में विराजमान हैं और दक्षिण भारतीय यहाँ पर दर्शन कर कुमकुमार्चन श्री यंत्र के ऊपर कुमकुम, हल्दी, रोरी इत्यादि से कुमकुमार्चन करते हैं। भगवती का ओटी भरते हैं जिसमें कपड़ा, चावल, हल्दी,
सोपाड़ी इत्यादि से भगवती की ओटी भरकर भगवती को प्रसन्न करते हैं और इनके दर्शन पूजन का शास्त्रों में बहुत ही बड़ा महात्म है। इनका शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन इनके दर्शन का विधान है। जो भी काशीवासी एवं बाहर के जो लोग भी आते हैं इनका दर्शन कर धन्य होते हैं। माँ विशालाक्षी देश के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। दक्षिण भारतीय शैली में स्थापित माँ की मूर्ति स्वयं ही दैदीप्यमान आभा प्रकाशित करती है। माता विशालाक्षी की भी एक कथा पुराणों में वर्णित है कि जब दक्ष की कन्या हवन कुंड में कूद गई थी तब भगवान शिव इस सती के शव को लेकर भ्रमण करने लगे। पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से इस सती के टुकड़े करने शुरू कर दिए। जहां जहां सती का अंग गिरा वहां वहां शक्तिपीठ बना। यहां सती का मुख गिरा था जिन्हें विशालाक्षी कहा गया। माता की दो बहनें दक्षिण भारत में भी विराजित हैं, कांची में कामाक्षी और मदुरै में मीनाक्षी। यही कारण है कि दक्षिण भारतीय श्रद्धालु जब काशी आते हैं तो माँ विशालाक्षी का भी दर्शन पूजन अवश्य करते हैं। जितना अंग है उसमें मुखम का घिरा हुआ जगह यहाँ है। तीन जगह बहुत मुख्य है, उसमें एक मदुरै मीनाक्षी, कांची कामाक्षी, काशी विशालाक्षी। यहाँ पर गौरी काशी विशालाक्षी रूप में है। इधर उनका जो दर्शन बहुत मुख्य है, जो साउथ से जो भी आ रहा है इधर सब लोग इधर विशालाक्षी का दर्शन करके फिर जाता है। उससे पूरा दर्शन पूरा यात्रा का मुक्ति मिलता है। शक्ति शक्ति पूर्व दक्षिण पूर्व से दक्षिण से पश्चिम सब जहाँ में पड़ा मतलब हुआ है परा हुआ है। उसमें सबसे बढ़िया सबसे मुख्य शक्तिपीठ एक काशी विशालाक्षी है। एक एक मुख्य शक्तिपीठ है। एक भगवान अम्बाल का रूप यहीं पर हुआ है, देवी का रूप यहीं पर गिरा हुआ है। इसलिए काशी विशालाक्षी बहुत मुख्य हम सब में करते बोले जाते हैं। काशी के लोग माता को नौगौरी के पंचम स्वरूप में पूजते हैं। चैत्र नवरात्रि के पांचवें दिन माँ के पूजन अर्चन का विधान है। तो वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी। हमारे माता जी पांचवें नंबर पर विशालाक्षी देवी के नाम से आती हैं। यहाँ पर माता सती का मुख गिरा था। वो जो पीछे में माता जी हैं वही मेन हैं। काशी का निर्वाण भी भोलेनाथ ने इनके लिए ही किया। पहले ये हमारा पूरा आनंद बन था। यहाँ सब देवी देवता आने के लिए तपस्या करने के लिए बहुत रहते थे। जब माता आए तो भोलेनाथ ने इनको खोजते हुए देखा कि भाई तुम यहाँ बैठी हो, हम कहाँ कहाँ खोज रहे हैं। तो फिर इनके लिए उन्होंने काशी का निर्माण किया। मान्यता है कि ये स्थान बाबा काशी विश्वनाथ का शयन गृह है। बाबा आज भी रात्रि विश्राम के लिए यही आते हैं। काशी को आया मैं, काशी देख के तो अन्नपूर्णा और विशालाक्षी की देखा और चले जाते वरंगल। इसी मंदिर परिसर में विशालाक्षेश्वर महादेव भी विराजित हैं। काशी के सबसे प्राचीन नवग्रह का विग्रह इसी मंदिर परिसर में अवस्थित है। यहीं पर अष्ट धातु से निर्मित माता महालक्ष्मी की प्रतिमा भी विराजित है। माँ विशालाक्षी की प्रतिमा के समक्ष स्थापित श्री यंत्र पर कुमकुम पूजा का विधान है।
श्रद्धालु मंदिर के पिछले हिस्से में स्थापित शिवलिंग के पूजन अर्चन के बाद नवग्रह के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। We are coming from Salem, Tamil Nadu district. इधर से काशी का मंदिर विशालाक्षी टेम्पल பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கு. इन दो प्रमुख मंदिरों के अलावा श्रद्धालु काशी में विराजित अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन पूजन करते हैं। काशी तमिल संगमम दक्षिण भारतीय लोगों की आस्था को और मजबूत करेगा, साथ ही उत्तर और दक्षिण का समागम पूरे देश की एकता को एक नया संदेश देगा। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे।